रहेगा, 10 घंटे के अंदर अंदर आप अपने घर से अपनी गाड़ी में यहाँ पर आ सकते हैं वीजे के साथ। यहाँ की जो मेन जान है समंदर के अलावा और जो पहचान है, जहाँ पे आपकी भी अट्रैक्शन बहुत हो सकती है और यकीनन वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मेन मार्केट जहाँ पर आपकी अक्ल भी दंग रह जाएगी और आपकी मुंह में पानी यानी कि राल भी टपकने लगेगी, वो है मंतके आज़ाद। ये वो जगह है जहाँ पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ और जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की तमाम शॉपिंग वो कर सकते हैं जो आप दुबई सोचते हैं कि दुबई से करें, थाईलैंड से करें या कहीं और जाके इंग्लैंड से करें, वो सब चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। नहीं वो सिर्फ हमें वहाँ जाना है, मंतके आज़ाद जाना है। अस्सलाम वालेकुम, ये अली मदद। इस वक्त मैं खड़ा हूँ चाबहार फ्री जोन में। फ्री जोन का मतलब कि यहाँ दुनिया जान की प्रोडक्ट जो हैं वो आपको ड्यूटी फ्री मिलती हैं, यानी कि ड्यूटी नहीं लगती है। और यहाँ पर वो कुछ मिलता है जो आप दुबई या दूसरी दुनिया में जाते हैं ख़रीदने के लिए, स्पेशली ख़वातीन और बिजनेसमैन। तो आए हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ क्या क्या है। मार्केट लेके चलता हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारी वैरायटी है और हमने भी बहुत सी चीज़ें खरीदी हैं यहाँ से। और ये बिल्कुल मेरे सामने
वक्त मैं वो कीमती जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर दुनिया आती है। ये चाबहार की वो जाने और पहचाने, चाबहार इससे मशहूर हो रहा है और हो जाएगा। ये है चाबहार फ्री इकोनॉमिक शॉपिंग जोन है, यानी कि चाबहार फ्री शॉपिंग जोन है। और यहाँ पर बड़ी बड़ी, मेरे पीछे आप देख रहे हैं रंग बिरंगी इमारतें, ये पूरे पूरे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं। इनमें एक सुई से लेके जहाज तक मिलता है। और चाबहार में मैंने गाड़ियों के वो ब्रांड देखे जो शायद आपको दुबई में भी नजर आए, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। हर कंपनी की गाड़ी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ लोगों के लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट है बाकी ईरान से। यहाँ मिक्स बलोच ज़्यादा हैं और ईरानी कम है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो जगह है ये डिफरेंट मार्केट की जगह है। यहाँ पर आपको ड्यूटी फ्री मिलती है चीज़ें, और यहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें, कोई दो नंबर चीज़ नहीं है। और यहाँ की ज़्यादातर चीज़ें आपको हर मुल्क की मिलेंगी, मसलन चाइना की है यहाँ पर, कोरिया की है आपको, जापान की मिलेंगी आपको, इसके अलावा इंग्लिश प्रोडक्ट्स मिलेंगी आपको। कॉस्मेटिक्स की बहुत अच्छी दुकान है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़े बड़े ब्रांड है यहाँ पर नामी गिरामी। और उसके साथ साथ जो है आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर खाने का बहुत अच्छा है। हर जो बिल्डिंग्स हैं या शॉपिंग मॉल है उसके अलग अलग नाम है, और उनके बाहर अलग अलग खाने का निज़ाम रखा हुआ है। यहाँ पे फास्ट फूड भी है, पिज़्ज़ा भी है, स्नैक्स भी हैं, और सैंडविचेस के अलावा चाय तो यहाँ की कॉमन है, और उसके अलावा कावा यहाँ सबसे ज़्यादा है। यहाँ लोग आइंदा जो आएंगे वो शॉपिंग के हिसाब से आएंगे, लोग दुबई भूल जाएंगे। जब आप ये मेरी वीडियो देखेंगे और इन्फॉर्मेशन जानेंगे तो आप ज़रूर कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि दुबई महंगा है, ये दुबई से सस्ता है। क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी रुपये भी आप लेकर आए तो भी चलते हैं, और कन्वर्ट कर देंगे यहाँ की करेंसी तो भी होती है। बट यहाँ अभी जो सूरत हाल है वो ये कि डॉलर यहाँ के बहुत अप एंड डाउन हो रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे डॉलर लेकर आए हमें नुकसान हो रहा है, मगर पाकिस्तानी रुपये है तो हमें यहाँ फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर जब भी आए थोड़ी सी मालूमात ले लें, और उसके साथ साथ बहुत ईजी वे है यहाँ आने का, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। आप अगर अपनी गाड़ी में आते हैं सुबह, वहाँ से आप अगर 2:30 बजे या 4 बजे भी चलते हैं तो सुबह 10-11 बजे बॉर्डर पे पहुँचेंगे। वहाँ से क्रॉस करके 1 घंटे की सफ़र से आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, यानी कि कहने का मकसद है टोटल 10 घंटों में आप अपने घर से यहाँ पर होंगे। तो ये वो इकोनॉमिक जोन है जहाँ पर लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं यहाँ पर, और हम जैसे भी यहाँ जर्नी ऑफ फेथ आई, हम तो यहाँ मज़ारों के चक्कर में आए थे, वो यहाँ पे अभी तक नहीं मिल सके हमें। मगर यहाँ पर लोगों की सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये मिनी दुबई है, मैं इसको मिनी दुबई का नाम देता हूँ। यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी रेंज आप सोच कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही होगा, जितने भी पैसे लेकर आएंगे ज़्यादा ही चाहिए होंगे, कम नहीं होंगे। अभी हम आसिफ मलंग के पास हैं और हम चाबहार से निकल रहे हैं, और आसिफ मलंग की यहाँ के बारे में पूछते हैं, क्योंकि हर शहर से आसिफ मलंग निकले तो उन्होंने लास्ट मोमेंट दिया, चाबहार में कुछ अलग से देने वाले हैं, पूछते हैं। जी आसिफ भाई, चाबहार मेरी फेवरेट जगह, मुझे बहुत पसंद आई, अगर आप यहाँ पे आओगे तो ज़रूर आना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ईरानी ब्लॉग हैं उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया। क्योंकि मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, जर्नी ऑफ फेथ यूट्यूब पर भी रहता हूँ, तो अक्सर लोग मुझे जानने वाले मिले और बहुत हेल्प की। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आप जब भी इस बॉर्डर से आएँ तो ज़रूर आएँ और यहाँ के लोगों के साथ टाइम गुजारें, बहुत मालूमाती बिज़नेस के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं आपका दोस्त आसिफ मलंग। अब राना राइल को ढूंढते हैं और उससे पूछते हैं कि कैसा रहा चाबहार। चाबहार बहुत अच्छा रहा सफ़र, यहाँ पे समंदर के किनारे पे भी घूमने का मज़ा आया, और मंतक आज़ाद पे भी घूमने का मज़ा आया, क्योंकि वो विंटर शॉपिंग और वैसे बहुत बेहतरीन है दुबई के हिसाब से, दुबई से ज़्यादा बेहतर लगी है तो वो मार्केट। और वैसे यहाँ पे पब्लिक का रवैया भी हमारे साथ बहुत अच्छा रहा, तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप आएँ तो चाबहार से आएँ एक बार, ईरान में एंटर हों और उसके बाद यहाँ के लोगों की वेलकम देखें आप। तो अब मैं खुद आता हूँ और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो जी आप मुझे तो जानते हैं, और ये चाबहार की गलियाँ हैं, मेन रोड है, हम वापसी के लिए निकल रहे हैं, और यहाँ पे हमने
दो से तीन दिन का तकरीबन स्टे किया, 2 nights 3 days, बहुत मज़ा आया। यहाँ बहुत कुछ है पाकिस्तानियों के लिए और पूरी दुनिया के लिए। अच्छा एक और चीज़ ज़रा बताइएगा कि यहाँ की जूना मार्केट कैसी लगी, गोल्डन मार्केट, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जिस जगह हम रुके थे उसके पैदल पर ही यहाँ मोबाइल की बहुत बड़ी शॉप थे, मॉल्स हैं, और उसके साथ पाकिस्तानी आइटम इस एरिया में आपको 80% मिलेगा और इंडियन मिलेगा। तो पाकिस्तानी जूना मार्केट हमने उसको नाम दिया है, बहुत बड़ी मार्केट है। बट मंतके आज़ाद आप आएँ वो आपके काम की चीज़ है, क्योंकि वहीं पर आपका सारा कुछ मतलब छुपा है। आप ईरान जब भी आएँ आखिर में चाह आ रहा है, और यहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर आप जो है वो कराची की तरफ चले जाएँ, बहुत आसान सा है। तकरीबन 10 घंटे में एक शहर से अपने घर तक हो जाएंगे आप, एक होटल से घर तक। तो चाह में हर तरह का बंदा भी आपको मिलेगा, ईरानी भी है, पठान भी है, अफगानी भी है, बलोच ईरानी बलोच भी हैं और पाकिस्तानी बलोच भी रह रहे हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ और भी कम्युनिटीज़ यहाँ मिलेंगी, मगर सबसे अच्छी बात यह है कि सब हेल्पफुल है। हमें यहाँ उर्दू बोलने वाले भी मिले जो हमारे इलाकों में रहते, कराची में रहते हैं, और हमें इंग्लिश बोलने वाले भी मिले, फारसी बोलने वाले भी मिले। बलोच बोलते हैं ज़्यादा लोग यहाँ, बलोची जाती है क्योंकि सुबह बलोच लगता है ये बलोचिस्तान का। इसके अलावा और बहुत कुछ है यहाँ पर। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये कि आप दुबई इतने जो जहाज़ का टिकट लगाकर जाएंगे वो यहाँ आकर आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा पुरसकून माहौल है, जेंट्री अच्छी है यहाँ की, साहिल अच्छे हैं और बहुत कुछ अच्छा है। तो हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें जर्नी ऑफ फेथ। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।